हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। मायसेल्फ रंजीत कुमार, और आज मैं कक्षा दसवीं के लिए विषय विज्ञान का पार्ट दो लेके आया हूँ, जिनका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और ये मेरा पार्ट दो का सेकेंड वीडियो होगा, क्योंकि इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेगा प्रश्न उत्तर, और उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं कि इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम दिख रहा है कि मार्क्स वन, मार्क्स टू और मार्क्स थ्री, मतलब कि यहाँ पे एक मार्क्स के भी क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से, टू मार्क्स के भी और थ्री मार्क्स के। और ज्यादातर यहाँ पे आपको वन मार्क्स के 100% अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वन मार्क्स के। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, बेकर केक तथा पावरोटी बनाने के लिए पैकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वन मार्क्स का, ये टू मार्क्स का, थ्री मार्क्स का, टू मार्क्स, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन इस टैब में दिखा रहा हूँ इनका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अगर नहीं लिख पाते हैं तो मैं इनका आंसर नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें जरूर डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर लिख पाते हैं तो आप हमें जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही ज्यादा अगर कमेंट आएगा कि नहीं इनका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि वन मार्क्स के सबसे पहले देखेंगे प्रश्न, उसके बाद सेकंड मार्क्स के, फिर थर्ड मार्क्स के, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वन मार्क्स का कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, CaOCl2 का यौगिक का जो प्रचलित नाम है इनको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन कि कौन सा यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, इट मीन्स CaOCl2 बनाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, आपको ये क्षार क्षारक चाहिए, और क्षारक किस में पाया जाता है, धोने वाला सोडा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो कठोर जल को मृदु बनाने वाला यौगिक है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट इंटू 10S2, इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा या धावन सोडा, इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा कि धावन सोडा का जलीय घोल अम्लीय होता है या क्षारीय। तो ऑटोमेटिक है, धावन सोडा की बात करें तो ये क्षारीय होगा, तो इसका जो अम्लीय घोल, धावन सोडा का जलीय घोल जो होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगला प्रश्न आता है कि हमारे पास कितने पीएच मान पर अम्लीय वर्षा माना जाता है। तो आपको पता है मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हूं कि 5.6 अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहा जाएगा, क्लियर। तो पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो अम्लीय वर्षा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है संतरा, इमली, टमाटर, सिरका, चींटी का डंक, नेमू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसका मैं ऑलरेडी एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, और यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आपका आएगा एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। लेकिन मैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट करते हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर संतरा की बात करें तो संतरा में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। दूसरा आता है इमली, इमली की बात करें तो इमली में हमारा पाया था टार्ट्रिक अम्ल। तीसरा आता है हमारा टमाटर, टमाटर में हमारा पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक। सिरका की बात करें तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। फिर हमारा चींटी की डंक की बात करें, चींटी का डंक में मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू की बात करें तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारा कुछ अम्ल है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी मैं इनके बेस पे क्वेश्चन दिया हूँ, बट ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको जरूर आप नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कुछ यौगिक का नाम है उसका रासायनिक सूत्र लिखना है।
जैसे कि यहाँ पे बिरंजक चूर्ण है, बिरंजक चूर्ण के बारे में आपको बताए थे, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम CaOCl2, ये इसका बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। दूसरा आता है धोने वाला सोडा का, पूछ सकता है तो धोने वाला सोडा का है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 Na2CO3 10H2O, ये हमारा धोने वाला सोडा। तीसरा आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की बात करें तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इट मीन्स NaHCO3, तो इसका होता है रासायनिक सूत्र। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इनका दो फॉर्मूला होता है, एक आएगा CaSO4H2O, ठीक है, ये या तो CaSO4H2O, तो 100% आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तो आप पढ़े होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आपको नहीं दिया, अगर ये नहीं दिया हुआ है और यही क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, ऑप्शन में ये डाल देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, क्लियर। तो इसलिए इन दोनों को याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला जो हमारा प्रश्न आता है ये 2 मार्क्स का स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे पूछेगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। देखिए अम्ल का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का चालन नहीं करने का चालन क्यों करता है, इसका चालन करने का रीजन है, देखिए अम्ल को अगर आप जल में घोलेंगे ना, क्लियर, अम्ल को अगर आप जल में घोल रहे हैं तो ये क्या करेंगे H+ आयन उत्पन्न करेंगे, और ये जो है ना विद्युत चालन करने का रीजन है, H+ आयन ही जो है वो की वजह से ही विद्युत का क्या होता है चालन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं कि जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव आयनों द्वारा होता है, क्लियर। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जब उसको खोलेंगे तो वो क्या करेंगे हाइड्रोजन आयन देंगे, इसी कारण क्या होता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अब आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये पीएच स्केल क्या है, या तो बोल सकते हैं पीएच स्केल का जो प्रसार है क्या होगा। तो हम बता दें कि पीएच स्केल का जो प्रसार है 0 से कितना होता है 14, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं 0 से लेके 14 तक का इसका प्रसार होता है। और यहाँ पे बोल रहा उदासीन विलयन का मान कितना होता है 7, जैसे कि यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा उदासीन विलयन का मान कितना होता है 7 होता है। फिर अगर आप अम्लीय का बात करें तो अम्लीय कितना 7 से कम होता है, और क्षारिक की बात करें 7 से अधिक, तो ये 7 से अगर अधिक होगा तो वो क्षारक होगा, और 7 से अगर कम हुआ तो अम्लीय होगा, और 7 आया तो ये क्या हो गया उदासीन होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है। सबसे पहले मैं आपको बताया कि अगर विद्युत का चालन होता है तो उसमें क्या होता है H+ आयन होना चाहिए, क्लियर, इसी के वजह से क्या होता है विद्युत का चालन होता है। एडमिन्स अगर आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये H+ आयन को उत्पन्न नहीं करते होंगे, और वर्षा जल में होने का रीजन है कि वो थोड़ा अम्लीय होता है, एडमिन्स ये H+ आयन उत्पन्न कर रहे हैं, इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं विद्युत का चालन करेंगे। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए आश्रित जल की बात करें तो ये एक क्या होता है शुद्ध जल होता है, और इसीलिए इसका इसमें क्या होता है विद्युत का चालन नहीं होता। अगर ये शुद्ध जल है तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा H+ आयन उत्पन्न नहीं होंगे, क्लियर, क्योंकि विद्युत का चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान होता है, इसमें थोड़ा मात्रा में क्या होता है अम्ल होता है। कैसे क्यों होता है? क्योंकि जब ये जो कि वायु ये क्या करते हैं वायु के उपस्थिति में ये सल्फर डाइऑक्साइड एक हो गया, दूसरा आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके साथ ऑक्सीजन जो है इसके साथ संयोग करके ना एक अम्ली बना देता है। जब अम्ली हो गया तो ऑटोमेटिक है कि वो H+ आयन उत्पन्न करेंगे, जब H+ आयन उत्पन्न करेंगे तो वो क्या होगा विद्युत का चालन करेंगे। अब विद्युत चालन करने का एक ही रीजन है कि वो क्या होगा जलीय विलयन में क्या H+ आयन को उत्पन्न करना होगा, तभी वो विद्युत का चालन हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अम्लों को तनुकृत करते समय या क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। एडमिन्स यहाँ पे देखिए तनुकृत का मतलब होता है जैसे कि हम लोग ले लिए जल, दूसरा ले लिए अम्ल। यहाँ पे देखिए अगर आप ना जल को अम्ल में डाल रहे ठीक है, तो यहाँ ये जो अभिक्रिया होती है ना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। अगर आप अम्ल में जल को मिलाइएगा तो वो क्या होगा उष्मा छेपी होगा, उससे क्या होगा अम्ल उछल के आपके शरीर पर पड़ सकता है और आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि आप ना जल को अम्ल में नहीं मिलाइए,
अम्ल को ही क्या कीजिए, अब जल में मिलाइए और धीरे धीरे क्या करना है उसको हिलाते हुए, जल को हिलाते 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 थोड़ा सा तब अम्ल को मिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, ये उष्मा छेपी नहीं होता है। चलिए इसका आंसर को हम लोग जानते हैं किस प्रकार से लिखना है। देखिए, जल में अम्ल को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्मा छेपी। उष्मा छेपी मतलब क्या होता है, उष्मा उत्पन्न करेगा अगर आप जल में अम्ल को मिलाइएगा, और सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है। जैसे सांद्र अम्ल कोई भी लेंगे, अगर उसमें अगर आप जल को मिलाइएंगे और उसका जो मिश्रण होगा कि उछल के वो बाहर आ जाएगा तथा कोई भी इससे क्या होगा, जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किए जा रहे कांच का पात्र भी टूट सकता है। एक्चुअल में देखिए, सबसे पहले अम्ल को आप किस चीज में रखिएगा, अम्ल को अगर आप रखते हैं तो एक प्लास्टिक में रखना होगा या तो कांच में, ठीक है। और ज्यादातर अम्ल को कांच में रखा जाता है क्योंकि और दूसरे वस्तु में रखेंगे, जैसे प्लास्टिक के अलावा किसी और वस्तु में रखेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको गला देंगे। और जो भी दूसरे बर्तन में, इसको या तो कांच में रखना होगा या प्लास्टिक में रखना होगा, तो कांच के पात्र में अगर इसको हम लोग रखेंगे और इसको अगर हम लोग मिलाएंगे जल उसमें, तो क्या होगा, उष्मा छेपी होने के कारण वो पात्र जो होगा गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण क्या होगा, वो ब्लास्ट हो सकता है, टूट सकता है। अगर टूट गया तो हो सकता है, अगर वो कांच का पात्र है तो ऑटोमेटिकली आपके हो सकता है आंख में पड़ जाए या तो बॉडी में चुभ जाए, तो इस प्रकार से वो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, अम्ल को क्या करते हैं, सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा एक क्वेश्चन कि एक ग्वाला है ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। सबसे पहले दूध को समझिए, ये दूध जो होता है ना, जब ताजे दूध होता है ना, इसमें अम्लीय होता है, मतलब बहुत कमली होता है, उतना ज्यादा अम्लीय नहीं होता, ठीक है, अम्लीय होता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप मान लीजिए कि छार, मतलब कि इसमें थोड़ा सा छारक मिला दीजिए, ठीक है, छारक मतलब कि जो पाउडर होता है, पाउडर वाला दूध इसमें मिला दें, तो ये वाला दूध जो है ना थोड़ा दही जमने में ज्यादा समय लेता है। रीजन क्या है, ये इसकी जो अम्लीय मात्रा क्या हो गया, अम्लीय से क्या हो गया, छारी हो गया, और दूध से दही तभी बनेगा जब वो अम्लीय होगा, क्लियर। अब देखिए कि इस पे किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। बोलता ताजा दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा छारी क्यों जाता है। अब जब आप बेकिंग सोडा मिलाइएगा, बेकिंग सोडा एक तरह का क्या होता है, छार है। जब आप दूध में छार मिलाएंगे तो दूध का मान क्या होगा, थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेकिंग सोडा का प्राकृतिक क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसे मिलाने पर दूध क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। 6 से बदल कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं, क्योंकि ये बेकिंग सोडा आपका क्षारीय प्राकृतिक है, ऑटोमेटिक वो उसका गुण को प्रदर्शित करेंगे। दूसरा आता है हमारा, अब देखिए दूसरा यहाँ पे बोल रहा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जब दूध में छारक मिलाइएगा थोड़ा क्षारीय होगा, और दही बनने के लिए हमको क्या चाहिए, अम्लीय चाहिए। तो ये जब छारक मिलाते हैं तो छारी हो जाता है, तो थोड़ा इसको समय लग जाता है अम्लीय होने में, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा दूध से दही बनने में ज्यादा समय लगता है। तो इसको यहाँ लिखेंगे, यह दूध ताजे दूध से अधिक छारी है, इसलिए इस दूध को दही बनने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न, ये है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क मतलब होता है सूखा, क्लियर, शुष्क मतलब सूखा। अब मान लीजिए कि HCl, ये जो एसिड है, ये भी सूखा हुआ है, और लिटमस ये भी सूखा हुआ है, तो इसमें अगर लिटमस में ये सूखा हुआ आप हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल डालिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं बदलेगा रंग, यहाँ पे अम्ल होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों सूखा हुआ है। हम आपको बताए थे अम्ल जो है ना जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, और जब तक दोनों में से कोई एक मतलब कि विलयन पदार्थ नहीं होगा तब तक वो उसका रंग क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लता की के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पर दोनों ही जल के अभाव होने के कारण हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न कर देते हैं। देखिए ना तो हाइड्रोक्लोरिक गैस में और ना ही शुष्क लिटमस पत्र में, दोनों में क्या है, जल का अभाव है, तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न तो होगा ही नहीं, इसीलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस या शुष्क लिटमस पत्र के रंग में कोई बदलाव नहीं होता, अदरवाइज इसका रंग बदलाव होता।
तो यहाँ पे हम लोग कुल टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट को चेक करें या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे भी मैं आपको इनसे रिलेटेड मतलब क्लास 10 से रिलेटेड जो जो वीडियो आपके लिए उपयोगी है उनका मैं लिंक नीचे लगा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।